यहाँ पे विनय ओपी और रकी ब्यूटी दोनों फाइट करते हुए, लेकिन विनय विनय भाई यहाँ पे थोड़ा सा बैकअप करने की कोशिश करेंगे क्योंकि राकीब को एक कवर मिल चुका है। यहाँ पे विनय के पास दो तीन, यहाँ पे तीन क्यूब्स मिलेंगे। यहाँ पे और एक टाइम हमको देखने को मिला है, टॉक्सिक जी भी यहाँ पे बहुत सारे क्यूब्स ले चुके हैं, छः क्यूब्स ले चुके हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। लेट्स क्लश वाइट ने यहाँ पे ब्रॉक लिया है और ब्रॉक वर्सेज ब्रॉक का यहाँ पे हमको फाइट देखने को मिल रहा है। ओके, बहुत ही अच्छा शॉट था, लेकिन समीउल ने यहाँ पे कैसे निकल के डॉज कर लिया है जो कि बहुत ही अच्छा है। अभिनव और रॉकस्टार भी अच्छे से खेल रहे हैं। फिलहाल अभिनव के पास एक भी क्यूब नहीं है जो कि थोड़ा सा टफ हो सकता है। रॉकस्टार के पास बस 300 हेल्थ है, यू कैन बी डाउन एनी टाइम। रॉकस्टार यहाँ पे पहले फाइट ले रहे की कोशिश कर रहे थे एंड बीज डाउन। लेट्स क्लश वाइटी ने यहाँ पे समीउल को भी मार चुके हैं। पाँच बंदे जिंदा, इनमें से सिर्फ दो ही लोग फाइनल्स में जा पाएंगे। रकी ब्यूटूब के पास चार क्यूब्स हैं, वो बीच में अभी फंस चुके हैं। रकी ब्यूटूब, ये उनके लिए टफ हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा टफ। ओके, यहाँ पे लेट्स क्लश वाइटी ने यहाँ पे एक किल निकाल लिया। अभिनव यहाँ पे क्यूब चोरी करते हुए, टॉक्सिक जी जी वर्सेज हीरो अभिनव का मैच चल रहा है। हीरो अभिनव इज डाउन। लेट्स क्लश वाइटी ओपी इन द चैट, बहुत ही अच्छे एम कर रहे हैं ब्रॉक के साथ भाई, पैम को बुमबम कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पे इनमें से कोई एक ही जाएगा फाइनल्स में। यहाँ पे लेट्स क्लश वाइटी फिर से थर्ड पार्टी करने की कोशिश करेंगे। ओके, यहाँ पे एक थर्ड पार्टी करने की कोशिश थी लेकिन नहीं कर पाए, तो लेट्स क्लश वाइटी फॉल बैक कर रहे हैं। यहाँ पे टॉक्सिक जी जी बहुत ही मुश्किल में है। विनय और लेट्स क्लश वाइटी ने एक साथ मिलकर उसको मार दिया। हम लोग इसको टीमिंग नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही अच्छा टीम स्पिरिट था क्योंकि उनको पता था अगर टॉक्सिक जी जी के पास ज़्यादा पावर क्यूब है तो अगर उनको छोड़ दिए तो वो हार जाएंगे। यहाँ पे लेट्स क्लश वाइटी बहुत ही अच्छा खेल रहा है और विनय भी बहुत ही अच्छा खेल रहा है। दोनों का जो टीम पार्टनरशिप हम लोग को देखने को मिला बहुत ही अच्छा था, उन्होंने अपने दिमाग लगा के खेला एंड देयर इन द फाइनल्स। सो यहाँ से फाइनल के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं लेट्स क्लश वाइटी एंड विनय ओपी। यहाँ पे लेट्स क्लश वाइटी कभी भी डाउन हो सकते हैं क्योंकि उनका एचपी बहुत ही कम है और पीछे से जोन भी आ चुका है। लेट्स ग्लो, विनय ओपी इन द चैट। यहाँ पे सरंग ने यहाँ पे कोल्ड से ग्रेमरी को मार दिया। सरंग कहाँ पे है? ओके, सरंग यहाँ पे फिर से फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रुचि के पास यहाँ पे सुपर है, रुचि यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छा डॉज किया। यहाँ पे थोड़ा सा और डॉज की जरूरत है। ओके, यहाँ पे रुचि ने भाई यहाँ पे डॉज कर लिया है और बैट क्लास हीरो के पास यहाँ पे तीन क्यूब्स हैं, तो ये सेमीफाइनल फोर है। इनमें से सिर्फ टॉप के जो दो लोग रहेंगे वही लोग जा पाएंगे। लेट्स सी यार, सरंग यहाँ पे गोल्डन कोल्ड लेके बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग हैकर के पास पांच क्यूब्स हैं। क्लियर 32 यहाँ पे क्रो लेके आया जो भी बहुत अच्छा पिक है, जो डायनेक्स गेमिंग को थोड़ा सा टफ हो सकता है। अभी डायनेक्स गेमिंग का लक थोड़ा सा आज खराब है क्योंकि वो बार बार थर्ड पार्टी के शिकार हो रहे हैं और डायनेक्स गेमिंग यहाँ पे डाउन होते हुए। बैड क्लास हीरो ने यहाँ पे आयरन फिस्ट को मार दिया और यहाँ पे भी किल आ सकता है। पिंक बॉल गेमिंग इज ऑल्सो डाउन। यहाँ पे गोट ब्लॉक से आराम से टिके हुए हैं। यहाँ पे बैड क्लास हीरो थोड़ा सा हील कर लेंगे, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं यहाँ पे स्टू के साथ। यहाँ पे गोट भाई थोड़ा सा आगे जाते हुए, हैकर के पास यहाँ पे पांच क्यूब्स है, यहाँ पे पांच लोग अभी भी जिंदा है। सारंग को यहाँ पे परेशान कर रहे हैं, इसलिए 32 यहाँ पे हैकर आएंगे, सारंग का किल निकाल लेंगे लेकिन निकाल नहीं पाएंगे। ओके, सारंग इज ऑलमोस्ट डेड, 32 HP, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते वो। सरंग इज डेड। बैड क्लास हीरो यहाँ पे स्टू के साथ बहुत ही अच्छा खेलते हुए, इनके पास छः क्यूब आ चुके हैं, इन्होंने अभी दो या तीन किल निकाले, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गेम प्ले इनका देखने को मिला है हमको। यहाँ पे क्रो के पास पांच क्यूब्स है, वो थोड़ा सा डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं गोट को। यहाँ पे गोट का भी थर्ड पार्टी हो सकता है। लेट्स सी गाइस, ओके यहाँ पे स्लो कर दिया गया है। यहाँ पे स्टू भी बीच में आ चुका है, स्टू अगर डायरेक्टली फाइट लेगा तो थोड़ा सा टफ हो सकता है। यहाँ पे स्टू डाउन कर सकता है क्रो को। 9-1 स्टू ने यहाँ पे क्रो को डाउन कर दिया। यहाँ पे टॉप टू आने के लिए फाइट चल रहा है। यहाँ पे गोट इज ऑल्सो डाउन। हैकर एंड क्लैश, बैड क्लैश हीरो के ऊपर लास्ट मैच। बैड क्लैश हीरो थोड़ा सा अगर हील कर लेंगे तो उनके लिए थोड़ा सा ईजी पड़ेगा। हैकर और ब्लैक क्लैश हीरो यहाँ पे दोनों अच्छे से खेलते हुए, यहाँ पे नाइस हैकर